टुडे और जैसे मेरे पीछे दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत सारी इंडियन शॉप्स, ट्रेडिशनल शॉप्स की बहुत सारी दुकानें हैं। एंड इनफैक्ट मैं जिस भी शॉप के अंदर जा रही हूँ, लाइक देयर इज सो मच वैरायटी, शायद मुंबई में भी मुझे ढूंढने पे सब कुछ एक जगह नहीं मिल जाता होगा जो यहाँ पर मिल रहा है। लहंगे बहुत सारे हैं, सूट्स बहुत सारे हैं, रेंजिंग फ्रॉम यू नो 25 pounds टू अबव। साउथ हॉल को लिटिल इंडिया या लिटिल पंजाब भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ द पंजाबी एंड सिख कम्युनिटी जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। व्लॉग में हम मोस्टली शॉपिंग ही कर रहे थे, लाइक वी आर एक्सप्लोरिंग द प्लेसेस जहाँ पे इंडियन वेयर मिल रहा है क्योंकि अभी बहुत सारे इंडियन फेस्टिवल्स आ रहे थे। प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल है और काफ़ी अच्छा कलेक्शन, लाइक मुझे लगा था शायद बहुत ही पिछड़ा हुआ या कोई बहुत पुराने टाइम का कुछ ऐसा कलेक्शन होगा, बट द कलेक्शन इज ऑल्सो रियली गुड। इंजॉय कर रही हूँ शॉपिंग को, से मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं करे, बट जो भी मेरे पास वीडियोज़ हैं मैं ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड। मोमेंट यू लैंड हियर आपको एकदम ऐसा लगता है कि आप इंडिया में ही पहुंच गए हो, और जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी काफ़ी सारे शॉप्स हैं, गलियां हैं जो कि सिर्फ मैंने इंडिया में ही देखी हैं, शायद दिल्ली में या मुंबई में ही ऐसी चीज़ें आपको और इतनी सारी चीज़ें एक जगह मिल पाती हैं, यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल है। सो वी रियली एंजॉयड इट। से उतरते हो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक बहुत बड़ा सा गुरुद्वारा दिखेगा और यहाँ पे काफ़ी सारे गुरुद्वारे हैं। एंड एक्चुअली मुझे अभी पता चला कि यहाँ पे वन ऑफ द लार्जेस्ट गुरुद्वारा है आफ्टर इंडिया। साउथ हॉल पहुँचने के लिए आपको हीथ्रो एक्सप्रेस की तरफ जो ट्यूब जाती है वो लेनी पड़ती है, एंड जैसे ही आप स्टेशन पे उतरेंगे आपको दिखेगा दैट साउथ हॉल इंग्लिश और पंजाबी में लिखा हुआ है। दैट जस्ट रिप्रेजेंट्स कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा पंजाबी कम्युनिटी है। देयर वर मेनी बैंक्स आल्सो, लाइक पंजाब नेशनल बैंक, SBI, जो कि हमारे इंडियन बैंक्स हैं जिनके ब्रांचेस वहाँ पर थे। जहाँ पे भी हम शॉपिंग करने गए हमने देखा दैट मोस्ट पीपल वर सरदार्स एंड दे वर टॉकिंग इन पंजाबी, एंड एक्चुअली वी बार्गेन्ड इन पंजाबी एट फ्यू ऑफ द प्लेसेस। मुझे यहाँ पे खाना भी बिल्कुल ही हमारा जो मिलता है, जैसे हमारी जलेबी या फिर कॉर्न चाट, पानी पूरी, मोमोज, बहुत सारी चीज़ों के यहाँ पे स्टॉल थे। जलेबी जंक्शन इज़ वेरी फेमस फॉर द जलेबीज इन साउथ हॉल। हम वहाँ नहीं जा पाए बिकॉज बहुत लंबी लाइन थी।
नॉट जस्ट दैट, देयर वाज आल्सो क्वालिटी फूड्स जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ पे. यहाँ पे ग्रोसरी आपको सारी जो भी हम इंडिया में खाते हैं, जो नॉर्मल आपको लंदन में मिलने में थोड़ी मुश्किल होती है, वो यहाँ पे थी, और वो भी चीप रेट्स पे. हमारे सारे स्नैक्स, हमारा सारा वेजिटेबल्स, काफ़ी कुछ. एंड आप मेरे वीडियो में भी रैंडमली देखो, आपको आसपास एशियन कम्युनिटी ही दिखेगी. मतलब मुझे तो नहीं ध्यान कि मैंने ऐसे किसी को भी और देखा हो वहाँ पर. सो इट डेफिनेटली फेल्ट लाइक गोइंग टू इंडिया, एंड इट गेव अस इंडिया फील्स, नॉट जस्ट टू मी, इवन माई फ्रेंड्स हु केम अलॉन्ग विद अस. आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कीप वॉचिंग फॉर मेनी मोर फन वीडियोज. थैंक यू सो मच.